वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम की एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। पानी के कांटेक्ट में आके काला हो जाता है। इसका नाम है V2P, एक वैम्पायर ड्रग। अगर पुलिस को मिला भी तो उन्हें लगेगा ब्रोंको डायलेटर्स है। हाँ, लगता तो है। ये तो साफ है कि मिस्टर शर्मा को V2P की लत है और ब्लड स्टेटस रूम से जो फाइल्स चोरी हुई हैं, लगता है देश की ज्यादातर खास लोग वैम्पायर के नेटवर्क में हैं, ना कि धनराज के। मुझे पता नहीं ये किस लिए है, पर ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लगता है वक्त आ गया है हम सारा कलेक्टेड डेटा चीफ को हैंडओवर कर देते हैं। जितना सोचा था उससे भी बड़ा निकला। क्या आप ठीक है सर? अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं? जिस वैम्पायर ने मेरी मॉम को मारा उसे अरेस्ट नहीं किया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अजीब है ना, हम क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं पर मॉम के कातिल को नहीं पकड़ पा रहे। जब भी वक्त आया वो बच निकला, लेकिन इस बार भी मैं महसूस कर सकता हूं वो मेरे आसपास ही है। खाली हाथ आई हूं। Ah!
अपनी माँ के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते तुम। मेरी माँ को कभी देखा भी है? उससे भी ज्यादा। कितना डर गई थी वो। क्या तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है? सुसन, सुसन। फिर निकल गई। सुसन, तुम ठीक तो? सर, जैसा तुमने बताया, मुझे लगता है कि धनराज सच में कुछ कर रहा है, इसलिए मैं ये सब अपने बॉस को देना चाहता हूं, जिसने आज मुझ पर अटैक किया था। उसने मेरी मॉम को मारा, अब इस बार वो नहीं बचेगी। वो लड़की एक वैम्पायर थी, उसने हमें जाने दिया। मैं श्योर नहीं हूं, उसके जागने का इंतजार करना होगा। क्या मेरे पापा ने किसी को चोट पहुंचाई? मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की फोटो देखी। तुम पहले वैम्पायर थी ना? हाँ, उन्होंने मेरे असली माँ बाप को मारने से मुझे बचाया। तब मैं एक वैम्पायर थी। खैर, अब तो मैं एक इंसान हूं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। डॉक्टर? वो एक मिस्टीरियस डॉक्टर है। कौन है वो? वैम्पायर के लिए वो एक अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वैम्पायर के कुछ ग्रुप के लिए वो दुश्मन थी, जो उसे मारना चाहते थे, इसलिए पापा उसे बचाना चाहते थे। और उनका नाम क्या है? तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो हम तुम्हें बचाते क्यों? रानी, उसका नाम रानी है। रानी? आपको उसके साथ क्या करना है? हम रानी के बहुत नजदीक हैं। अच्छा है, शिल्पा और अमन को जो मिल गई है वो मैक की बच्ची है। मैं उन्हें चोरी छुपे सुन रही थी। वो एक वैम्पायर थी,
लेकिन एक रहस्यमय डॉक्टर ने उसे इंसान बना दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो डॉक्टर से मिलने एक बार जाएगी जरूर। मिस्ट्री डॉक्टर? हाँ, वो रहस्यमय डॉक्टर रानी है। बहुत अच्छे विपाशा, अब हम फाइनली मिल सकते हैं रानी से। मुझे जानकर अच्छा लगा, तुम इसके लिए इंतजार कर रही थी। मैं कुछ अजीब महसूस कर रही हूं। देखो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं जब तक मैं रानी से ना मिलूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी वैम्पायर्स को इंसानों में बदलती है, इसीलिए धनराज उसे मारना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या उसे मैं याद भी होंगी? तुम उसे जरूर याद होगी। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? वो दरअसल, मिस्टर नाथ रुको, ये सभी को देना है। ओके, सभी एक साथ आ जाओ। आज मिस्टर नाथ हमें गिफ्ट देने वाले हैं। अरे तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे ट्रीट दोगे? मुझे पे करने दो, पैसे बाद में देना। ये जोक था, जोक था। अरे तुम तो अमीर हो, तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात है। अब ये मजाक नहीं है, इतने सारे डोनट्स। तो फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे तो विश्वास। कंजूस मत बनो यार, तुम अमीर हो, समझ गया ना? ऐसा मत करो। हे, ये लो, सबको बांट दो। चलो 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 जल्दी से। चलो 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 चलो। अरे तुम तो बहुत नाजुक हो। और तुम लोग स्नैक्स का मजा लो। कैसी हो शिल्पा? बड़े दुख की बात है कि मेरे जैसे हैंडसम आदमी को तुम बिल्कुल भी भाव नहीं देती हो। ये कंप्यूटर का कीड़ा तुम्हारी क्या केयर करेगा? तुम इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा ही घाटा है। क्या हो गया? ओहो, सुंदर हो लेकिन अनाड़ी हो। घूर क्या रहे हो अमन? क्या करोगे तुम एक सुंदर लड़की के सामने खुद को स्मार्ट समझते हो? सही कहा ना? ओह, मैंने सोचा तुम सही थे। तो तुम अपनी मूर्खता वाली बातें जारी रखो दोस्तों। ओके बाय। हे गाइस, मेरे लिए कुछ बचा है क्या? अरे यार, तुम मेरे हिस्से का भी खा गए। अरे ये दो। अगर मैं यहाँ काम नहीं कर रहा होता ना, तो इसे कब का मार डालता। अच्छा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाली थी। क्या बताना है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम जा रही हो? शिल्पा, मिस्ट्री डॉक्टर तुमसे मिलने के लिए मान गई हैं। यहाँ कहता है।
नाशिका।